अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अनवर और आज मैं आपको लेके जा रहा हूं फोटो स्टेडियम लाहौर और हम एंटर हो रहे हैं गेट नंबर 3 से। जी तो नाज़रीन, हम पहुंच चुके हैं फोटो स्टेडियम लाहौर के अंदर और आप देख सकते हैं पाक फ़ज़ाइया का इख्तियारा जो कि पाक फ़ज़ाइया के विक्ट्री शो कर रहा है। यह है नाज़रीन मिराज त्यारा जिसके ऊपर पाक फ़ज़ाइया का नंबर लिखा है, त्यारे का नंबर लिखा है और लोगों की चहल पहल मौजूद है फोटो स्टेडियम में। एक सर्द शाम है ये और लोग जो हैं शॉपिंग के लिए, खाने के लिए और इन बच्चे जो हैं एंजॉय करने के लिए यहाँ पे आते हैं। लाहौरी जो हैं स्पेशली यहाँ पे ज़रूर आते हैं और अगर आप आउट ऑफ लाहौर से हैं, दूर से हैं, तो आप ज़रूर एक दफ़ा फोटो स्टेडियम लाहौर का विज़िट करें। आप यहाँ पे सारे डिफरेंट ब्रांड्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे इसका पाकिस्तान की हिस्ट्री से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है इस जगह का। एक पाकिस्तान के कैंट का एक ये बड़ा ही एक वो इलाका है जहाँ पे जो लोग हैं वो शॉपिंग करते हैं, अपने बच्चों के साथ घूमते हैं, खाने खाते हैं। यहाँ पे जॉयलैंड है, सिंधबाद है, मैकडोनल्ड्स है, केएफसी है, अलबत्ता के सब जो हैं फेमस ब्रांड्स यहाँ पे मौजूद हैं। आप यहाँ पे आ सकते हैं अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ और यहाँ का इंजॉय कर सकते हैं इस माहौल को। जी तो आइए नाज़रीन, अब आपको लेके चलते हैं शॉप्स की तरफ जो कि ब्रांड्स हैं सारे औरतों के कपड़ों की। अभी ये लेन है सारी, यहाँ पे बच्चों के और वुमेन के सारी क्लॉथिंग है, स्टिच कपड़े हैं, बड़े ही फैंसी सूट्स वगैरह यहाँ पे आपको देखने में मिलेंगे। लोग जो हैं इसको एंजॉय करते हैं शॉपिंग को। आउटडोर आजकल सारी इसकी सिटिंग है रेस्टोरेंट्स की, वो भी आपको दिखाएंगे हॉलवे में। और ये बिल्कुल इसकी साइड पे लोग बैठे हैं और अपना मील एंजॉय कर रहे हैं। तो आए नाज़रीन, आपको घुमाते हैं फोटो स्टेडियम की ये सारी मार्केट और आपको दिखाते हैं कि लोग किस तरह यहाँ पर फैंसी चीज़ें इंजॉय कर रहे हैं। ये आप नाज़रीन देख सकते हैं कि बड़े फैंसी सूट्स हैंग्ड हैं यहाँ पे। प्रॉपर लोग यहाँ पे इन्हें फैंसी सूट्स को आके बड़े ही इनके नॉर्मल रेट्स हैं आप देख सकते हैं। ऊपर उन्होंने प्राइस टैग्स जो हैं इसके अटैच किए हैं और बड़ा विजिबल है ये। और ये सारे लोकल ट्रेंड्स के साथ ये बिल्कुल वेरी करते हैं लोग अपने टेस्ट के और अपने जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड जो उन्होंने कपड़ा जिस तरह का चाहिए, जिस तरह का अगर वो थोड़ा पहनना चाह रहे हैं फैंसी उस तरह का, या अगर कोई पैंट शर्ट वगैरह कोई पजामा टाइप पहनना चाह रहे हैं तो उस तरह के, मतलब अकॉर्डिंग टू द टेस्ट और वैरायटी ये जहाँ पे हर किस्म की चीज़ें मौजूद हैं। और ये अब आप देख सकते हैं ये शेज़ान रेस्टोरेंट है जहाँ से मैं इस वक्त गुजर रहा हूँ। शेज़ान रेस्टोरेंट जो है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेस्टोरेंट है इस फोटो स्टेडियम के इस पूरे एरा में। मुझे याद है जब मैं बिल्कुल बच्चा था और अपने फादर के साथ कभी फोटो स्टेडियम हम खाना खाने आते थे, तो ये मेरे बचपन के से मैं इस जगह पे आ रहा हूँ और अपना यहाँ पे हम खाना एंजॉय करते थे। सामने मैकडॉनल्ड्स है, अगर आप देख सकें तो बिल्कुल सामने एम का टैग नज़र आ रहा है, तो वो मैकडॉनल्ड आउटलेट। ये बड़ी ही ओल्डेस्ट है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन लाहौर एज़ वेल। तो यहाँ पे भी लोग आते हैं, हम सारे सिंस माय चाइल्डहुड मैं यहाँ पे आता था, एंजॉय करता था। तो अब यहाँ पे लाइक चीज़ें काफ़ी डिफरेंट हैं बट दिस टू रेस्टोरेंट्स आर स्टिल सेम। कब से लगा रहे हैं आप ये स्टॉल? सर ये 2018 से कर रहे हैं और इसी जगह पे मौजूद होते हैं आप? अच्छा, ज़बरदस्त। और आपके पास चाइनीज की खानों की वैरायटी है, क्या क्या आपके पास? हमारे पास चाइनीज में
एक चिकन मंचूरियन है, एक चिकन लेग पेपर है, और जो राइस में एक राइस है, और दूसरी जो चिकन चौमिन है, ड्रम स्टिक है, चिकन हाकन कचौड़ी है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह काफी वैरायटी है आपके पास। हमारे पास है जबरदस्त। और क्या प्राइजेज है आपके, ये आपका मेन्यू बड़ा है? ये मेन्यू है मुख्तलिफ। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, थैंक यू। नाज़रीन, आप देख सकते हैं चहल पहल बहुत है, और लोग अपना जो भी डिनर है एंजॉय कर रहे हैं, अपना स्नैक खा रहे हैं, और सारे लाइक विंडो शॉपिंग करने वाले लोग भी हैं। अपना एक अच्छा बड़ा यहाँ का एनवायरनमेंट है, एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे लोग जो है समटाइम्स टाइम स्पेंड करने आ जाते हैं। सामने बिल्कुल आप देख सकते हैं एंजॉय लैंड है, जिसके साथ ऑब्वियसली सब बच्चों की जो मोस्टली इधर आते थे, ये हमारी सबकी यादें यहाँ पे वाबस्ता है। बड़ा ही यहाँ पे जॉय लैंड में आया हूँ मैं। और उसके साथ आगे सिंधबाद है, जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक गेम्स हैं उसमें टेकन टैग, और तब लाइक सुपर मारियो वट एवर जो भी गेम्स थी तब वो मैं खेलता था, बड़ा इन्जॉय करता था मैं। तब अभी वो रिमोट कंट्रोल वाली कुछ अभी कार्स वाला, और वो हैंडल के साथ वो कार की ड्राइविंग का एक बड़ी गेम तब नहीं आई थी, मैं तब खेलता था। तो लाइक गाइस, यहाँ पे बहुत यादें मौजूद हैं हम सब की, और मैं यहाँ पे मोर ऑफनली यहाँ पे आता था, और अभी मैं आप लोगों के साथ सारा शेयर करना चाह रहा हूँ कि किस तरह यहाँ पे मैं इंजॉय करता रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पे वही चहल पहल, और लोग इंजॉय कर रहे हैं इस पूरी प्लेस को। आए आपके साथ और इसे देखते हैं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर किस्म के ब्रांड्स मौजूद हैं। अगर आपके पास पैसे दौरान शॉपिंग ख़त्म हो गए हैं, तो यहाँ पे एटीएम काफ़ी मौजूद हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे बैंक यहाँ पे हैं। सारे वो ब्रांड्स जो कि लाइक थोड़े से प्राइस में ज़रा एक्सपेंसिव हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। बिल्कुल नॉर्मल रेंज के ब्रांड्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। काफ़ी सारे जो शू के डिफरेंट ब्रांड्स हैं वो मौजूद हैं वुमेन के लिए भी, और खाने की एक प्रॉपर हब है ये। अगर आप ज्वेलरी का आपको शौक़ है, तो आपको ज्वेलरी के लिए भी आप शॉपिंग कर सकते हैं। लाहौरीज़ को तो ऑलमोस्ट सारे इन चीज़ों का पता होगा, बट जो लोग आउट ऑफ सिटी आ रहे हैं, लाहौर से काफ़ी दूर से जो लोग सारे यहाँ पे वो शॉपिंग करने आते हैं लाहौर में, उन लोगों के लिए एक अच्छा हब है। वो यहाँ पर एक विद इन अ रेंज, एक ही सिंगल जगह पर हर तरह की चीज़ें ब्रांड्स से, और अपना ज्वेलरी के डिफरेंट आउटलेट से, अपना जिस जो इनकी रेंज है, जिस तरह की इनकी पॉकेट इजाज़त देती है, उस तरह की चीज़ें यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो नाज़रीन, अब हम इस वक्त पहुंच चुके हैं कारेफोर के बाहर, और इसके बिल्कुल आप देख सकते हैं मेरे सामने इस वक्त बंदू खान रेस्टोरेंट मौजूद है। इसका खाना नाज़रीन बड़ा लजीज़ है, इसके पास बड़ी ही वैरायटी है इसके मेन्यू में। चाइनीज़ आपको यहाँ से मिलते हैं, कुछ डिशेस चाइनीज़ की, कुछ आपके पास कॉन्टीनेंटल की कैटेगरी है। मतलब आप यहाँ पे लोग काफ़ी डिफरेंट रेंज के खाने आके बैठ के खाते हैं और इन्जॉय करते हैं। कारेफोर से हर तरह की लोग ग्रॉसरी से लेके होम अप्लाइंस तक हर चीज़ यहाँ पे मिलती है, और लोग इसे परचेज़ करते हैं, और बड़े इनके रेट्स काफ़ी कंट्रोल्ड हैं। तो मोस्टली लाहौरीज़ जो है यहाँ पे आते हैं, और आके अपने होम अप्लाइंस से लेके घर की ग्रॉसरीज तक हर किस्म की चीज़ें इंजॉय करते हैं, ख़रीदते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ। जी तो फ्रेंड्स, ठंडी सी रात है, और आज फोर्ट्रेस की सैर की है हमने, और आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं फोर्ट्रेस के बिल्कुल जो कारेफोर है उसके पास ही एक लॉन है, जिसके बिल्कुल बहुत साइड्स पे मार्केट है, और बड़े बड़े सारे ब्रांड्स मौजूद हैं यहाँ पे।
और एक साइड पे KFC है, बिल्कुल मेरे बैक साइड पे आप देख सकते हैं जॉयलैंड मौजूद है, जहाँ पे बच्चे जो हैं उसके लिए सारी प्ले लैंड में आते हैं और झूले वगैरह इंजॉय करते हैं। तो नाज़रीन बड़ा जॉयफुल प्लेस है आप शॉपिंग के लिए भी और एक टाइम स्पेंड करने के लिए भी। अगर आप कभी लाहौर विजिट करें, या जो लाहौर के लोग हैं वो तो यहाँ पे ज़रूर आते होंगे, और अगर आप कभी बाहर से हैं तो लाहौर विजिट करें तो ज़रूर कज़ाफी फोटो स्टेडियम आएँ। यहाँ पर बहुत सारी प्लेसेज हैं जहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं, ख़ासकर वुमेन जो हैं, जो हमारी बहनें हैं जिन्हें शॉपिंग करनी है, जिन्हें सूट खरीदने हैं, नए कपड़े खरीदने हैं। यहाँ पे स्क्वायर मॉल है, वहाँ पे आपको सारे ब्रांड मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पे लोकल शॉप है जहाँ पे बहुत अच्छे वैरायटी के भी कपड़े हैं, नॉर्मल रेंज के भी अच्छे भी हैं। ये आपके टेस्ट के ऊपर और आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का चीज़ खरीदना चाह रहे हैं। तो आई विल रिकमेंड, बड़े मज़े की जगह है, मैंने बड़ा इंजॉय किया, घूमा हूँ। इसकी एक हिस्ट्री आर्मी की बिल्कुल आप देखेंगे कि टैंक खड़ा है, और पाकिस्तान का एयरफोर्स का मिराज त्यारा पाकिस्तान की विक्ट्री को शो करने के लिए खड़ा हुआ है। तो आई विल डेफिनेटली प्रेफर कि आप सारी एक दफ़ा विजिट कर रहे हैं, ये मस्ट वॉचिंग प्लेस है, डेफिनेटली एक दफ़ा विजिट कर रहे हैं आप, आपको आई होप मज़ा आएगा। और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए आप जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, इंशाल्लाह यू विल फील वेरी बेटर। अल्लाह हाफ़िज़।